एक शाही पनीर, नहीं कढ़ाई पनीर, छह रोटी तवा, एक पनीर का पराठा। जरूर करके बताना ऐसे पहाड़ों के एरिया में ठंडे मौसम में मीठी पूरी आम के अचार के साथ किस किस को मजा आता है, मतलब किस किस को पसंद है। एक चीज है वैसे सुनो, यहाँ दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हैं, वो देख, सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार खेत लोगों को तो पता तो होगा ही, पहाड़ों में तो ये होते हैं, सीढ़ीदार ही बनते हैं। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, हर जगह है ये, मतलब ये खेत ना हर जगह बनाए हुए ना। खाली पेट पूजा हो गई, सोनू क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो भी साथ आई हो और खोगी हो, कहीं ढूंढ रहा हो उसको। ये कहाँ से लाया तू, ये भी रखी थी। ये मैं बताऊंगी, अरे वहां पे नहीं गए थे क्या मंडे में, आजकल ट्रेंड इन वाली मिनरल वाटर का चल रहा है, टेबल पे रखो पीता को, यानी वो पॉकेट में ही आती है सबके घरों में। अब तू पीछे बैठ जा, सोनू को बैठने दे आ गया, जबरदस्त मजे ले ले तो ना पहाड़ों के। आप कपड़े पहन ले थोड़े से, ये पता क्या कर रही है, ये नुड़ा वो कर रही है, इधर साफ साफ होता जा रहा ना, उधर ज्यादा ग्रीन घास होगा इसलिए वो थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, उधर वाइट वाइट सा दिख रहा है, वो मिट्टी खड़ती है ना तो नमी वाला पोर्शन ऊपर आता है इसलिए वो डार्क है, और वो अभी ब्राइट है सूखा वाला। चलो अब चलते हैं, ठंड का टाइम होता जा रहा, इसको ही कहा जाता है पहाड़ों का नजारा। यहाँ पे सूखे, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, सारे देखो कैसे चट्टे चट्टे से दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, और यहाँ दूसरी डायरेक्शन में जहाँ मैं आपको दिखा दूँ सारी ग्रीनरी हरियाली पहाड़, मतलब कितने सारे पेड़ हैं अच्छे अच्छे हरे भरे अभी। और जिस साइड में खड़ी हूँ इधर धूप भी है और यहाँ पे सूखे पहाड़ है, और जिस हिस्से से हम निकल कर आए उधर से रोड को ऐसे टर्न करके वहाँ कितने, मतलब देखो उनकी जो नीचे वाली स्टीम है ना वो बिल्कुल वाइट वाइट दिख रही है, और ऊपर ऐसे वो होते हैं ना चिनार के पेड़ उस टाइप से हैं, पता नहीं पेड़ तो मुझे पता नहीं है कौन से, लेकिन सुंदर बहुत लग रहे हैं। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं, हमें मिला है ये वाला रूम, और यहाँ पे हमने अपने जैकेट वैकेट डाल दिया है, और दोनों साहब जी अपनी सेटिंग कर रहे हैं ठंड के हिसाब से, नोजी बहती हो गई है शायद, और ये सारा अपना बैग वैग सारा सामान जो भी खाने वाने का था वो सब ले आए हैं, और सनसेट यहाँ पे होने लग रहा है, और यहाँ पे और इतनी ठंडी हवा है कि जानी ले ले, बस अभी इतना ही दिखा सकती हूँ। ठंडी, दरवाजा बंद, हमें इतना ठंडी लगी, हो गया विंडो ऐसे खोली और बंद की, मेरे तो हालत ही गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा ठंडी है, जब धूप थी तब काफ़ी गर्मी थी, और अब जैसे कि सनसेट होने लग रहा है तो ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सीधा बहुत ठंडा, इतना ही ठंडा होता जा रहा है। देखते हैं अभी थोड़ी बहुत देर में बाहर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे तब की वीडियो आगे बनाती हूँ, आप बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। ये बात ये देख, एंजॉय तो इसे कहते हैं इतनी ठंड में भी, भाई तो हाथ तो कट के हाथ हाथ तो कट के हाथ में आ गए होंगे, सोनू यहाँ कुछ नहीं है वैसे, एक ये रेस्टोरेंट है, इससे कुछ लेना हो तो बताओ।
ये किधर चल रहा है जो ये रहा मोमोज लिखा हुआ जिसपे आपको खाने में मोमोज दिखा दूंगा मोमोज आप घर जाकर खाओ कुछ और देख यार वो तो खाना तो हम ऑर्डर करेंगे यहाँ कुछ है ही नहीं और क्या क्या है इसमें चिली पनीर वगैरह नहीं है दादा कहाँ से मिल सकता है सर हमने दो जगह ट्राई किया फ्रेंच फ्राई मोमोज एंड चिली पनीर का लेकिन कहीं पर भी हमें नहीं मिला तो वापस नीचे जा रहे हैं और सीधा अपना खाना वाना ही ऑर्डर करते हैं वो ही खाते हैं और यहाँ पे आरती भी हो रही है यहाँ पे भगवान जी का शिव जी का मंदिर है अब हम आए हैं अंकल के इस छोटी सी शॉप पे नेपाली नाम लिखा हुआ है इस पे इसमें हम बनवा रहे हैं अपने हिसाब से मोमोज जिसमें यहाँ पे पनीर वाले नहीं हैं वेजिटेबल वाले हैं और उनको हम अपने अकॉर्डिंग फ्राई करवा रहे हैं इनके अंदर सब्जियाँ कौन कौन सी डाली है वन गोभी और प्याज अच्छा अच्छा दो गोभी और प्याज ठीक है खाने में क्या क्या ऑर्डर देकर आ रहे हो एक शाही पनीर नहीं कढ़ाई पनीर छह रोटी तवा एक पनीर का पराठा का वो घर के बराबर में ही है ना है? होटल के बराबर में ही है वो दे जाएगा रूम नंबर पेट भर गया आपका मैं खाना खा रही अच्छा क्या खाया बेटे ने खिचड़ी खाई दोस्तों इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड अगली वीडियो कल सुबह फिर लॉन्च करेंगे फिर शुरू करेंगे अब तक के लिए बाय टाटा।